गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज हम टेंथ क्लास में एक नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। यह है आपका द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो बुआ, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सर समीकरण क्या है। समीकरण क्या है? तो समीकरण के बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं सर। समीकरण कुछ और नहीं, क्षमता का एक कथन है जिसमें कम से कम एक चर हो। समता का एक कथन है जिसमें कम से कम कितना चर हो? कम से कम एक चर हो। कम से कम एक चर हो। चर किसको कहते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल, जिसको बोलते हैं आप। कम से कम एगो वेरिएबल होगा। वेरिएबल किसको कहते हैं सर? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वेरी करते रहता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी, ये सब जो पुट करते हैं ना सवाल में, यही सब क्या है सर? वेरिएबल है। वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या हो गया आपका? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है आपका? कॉन्स्टेंट। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले हमने समीकरण का परिभाषा जाना। समीकरण, कोई पूछता है समीकरण किसको कहते हैं, उसको कहेंगे समता का वह कथन जिसमें कम से कम कितना चर हो? एक चर हो। समता का वह कथन जिसमें कम से कम एक चर होगा, उसको आप क्या कहोगे बउआ? बोलो, समीकरण कहेंगे। अब सर समीकरण का ही एक स्पेशल टाइप है द्विघात समीकरण। समीकरण में ही एक विशेष प्रकार का समीकरण आएगा जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। आइए सर, तो सर द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, जरा ये बताइए सर। तो द्विघात समीकरण, सबसे पहले तो अगर इधर हम घात लिखेंगे और इधर हम समीकरण का प्रकार लिखेंगे, समीकरण के प्रकार, उसी में आपको पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। समीकरण के प्रकार जरा ध्यान से देखना भाई। अगर समीकरण में जो वेरिएबल, जैसे ये आपका समीकरण है ना जी, एक्स प्लस वाई बराबर थ्री हो गया, एक्स प्लस फोर बराबर थ्री, टू एक्स प्लस थ्री बराबर फाइव, एक्स प्लस वाई बराबर नाइन, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ये सारा सर समीकरण है ना, सारा समीकरण है सर। अब बताइए सर, इधर घात लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है? समीकरण के प्रकार। इस समीकरण में कोई पूछेगा आपको कौन सा चर यूज हुआ है बउआ? एक्स हुआ है यूज सर। इसमें कौन सा चर यूज हुआ है? इसमें भी एक्स हुआ है यूज। इसमें सर दो चर यूज हुआ है, एक्स और वाई, इसको दो चर वाले समीकरण कहेंगे। आइए, इसमें सर इसमें क्या गो चर यूज हुआ है सर? इसमें एक चर यूज हुआ है सिर्फ, एक्स। ठीक, यहाँ एक्स का पावर दो, यहाँ एक्स का पावर कितना? वन। अच्छा, जहाँ कांस्टेंट टर्म है पूछेगा वहाँ एक्स का पावर कितना है? तो जीरो। जो कांस्टेंट टर्म है सर उसके साथ जो चर है उसका पावर कितना है? जीरो। जरा बोलो, यहाँ सर एक्स का पावर तीन, यहाँ एक्स का पावर दो, यहाँ एक्स का पावर वन, यहाँ एक्स का पावर जीरो। पावर किसको कहते हैं सर? वही घात जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना, उसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो चलिए सर, यहाँ x का पावर कितना है? फोर, यहाँ x का पावर तीन, यहाँ x का पावर दो, यहाँ x का पावर वन, यहाँ x का पावर जीरो। चूँकि कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट के साथ x वेरिएबल जो होता है उसका पावर क्या होता है? जीरो। आइए सर, अगर अकेला कांस्टेंट हो तब, अकेला सिर्फ कांस्टेंट है और आपको पूछे कि यहाँ बताओ बउआ वेरिएबल का पावर कितना है, तो आप क्या बोलोगे? जीरो बोलोगे। तो बात समझ में आ रही है सर? ठीक, तो हम घात देखने के लिए तो सीख गए हैं सर। आपको पूछेगा इस समीकरण में जरा बताओ x का हाईएस्ट पावर, x का उच्चतम घात, अधिकतम घात कितना है? दो है सर, क्योंकि सर यहाँ x का पावर जीरो, यहाँ x का पावर वन, यहाँ x का पावर कितना? दो। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? दो। अच्छा, यहाँ बोलो तो वो x का अधिकतम पावर कितना है? तीन है। यहाँ x का अधिकतम पावर कितना है? चार है। तो बात समझ में आ रही है सर? अब देखिए सर, अभी हम समीकरण के प्रकार को डिफाइन करने जा रहे हैं।
अगर सर किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात कितनी हो, एक, अधिकतम यानी हाईएस्ट पावर, तो सर आप बोलो यहाँ x का पावर जीरो, यहाँ x का पावर कितना, वन, वन से ज़्यादा पावर है क्या, नहीं है सर, यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल का चर का अधिकतम घात कितना है, एक है, इसलिए जिस समीकरण की घात एक हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो सर, एक हो, उसको कहेंगे सर रैखिक समीकरण। कौन समीकरण कहेंगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अगर सर चर की अधिकतम घात, अच्छा एक चीज यहाँ चर की अधिकतम घात लिख देते हैं, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात अगर एक है तो समीकरण कौन सा होगा, रैखिक समीकरण होगा। चर की अधिकतम घात यदि दो है तो कौन सा समीकरण होगा, बोलो भाई, द्विघात समीकरण। घात अधिकतम घात अगर दो, चर का अधिकतम घात कितना सर, दो, अच्छा सर क्या इसको द्विघात समीकरण कहेंगे सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, वन है, ये तो रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या ये द्विघात समीकरण है सर, नहीं सर, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है, वन है। क्या सर ये द्विघात समीकरण है, यस सर, क्योंकि सर हाईएस्ट पावर इसका कितना है, दो, चर का अधिकतम घात कितना है, दो है, इसलिए सर, तो चूंकि चर की अधिकतम घात दो इसलिए समीकरण कौन सा हो गया, ये सर द्विघात हो गया, ये द्विघात समीकरण। अगर सर चर की अधिकतम घात तीन होगी तो इसको क्या कहेंगे सर, त्रिघात समीकरण कहेंगे। कौन समीकरण, त्रिघात समीकरण, बड़ा सिंपल है सर। अच्छा एक बात और सर, रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। त्रिघात समीकरण है सर, ये आपका हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये इसका हिंदी इंग्लिश हो गया सर। तो आपके सिलेबस में तीन घात वाले समीकरण तक ही है, ठीक, मैक्सिमम तीन घात तक ही समीकरण है, हालांकि त्रिघात समीकरण का सॉल्यूशन टेंथ में नहीं दिया है, द्विघात समीकरण तक ही दिया है, तो त्रिघात समीकरण भी हम लोग पढ़ लेंगे। आइए, अगर चार हो जाए तो इसको चार घात वाला समीकरण कहते हैं, चार घात वाला समीकरण, समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा सर, चर की अधिकतम घात पाँच होगी तो पाँच घात वाला समीकरण, चर की अधिकतम घात छः होगी तो छः घात वाला समीकरण, इसी तरह हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो हमको सिर्फ अभी पढ़ना है टेंथ क्लास में क्या, द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण हमने पहले पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, द्विघात समीकरण। तो प्लीज़ आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे अब चलते हैं हम द्विघात समीकरण की पहचान पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कैसे, कोई समीकरण दे दिया और हमको पता करना है कि वो समीकरण द्विघात है कि नहीं। एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि द्विघात समीकरण का अगर कोई व्यापक रूप पूछे, द्विघात समीकरण का कौन सा रूप, व्यापक रूप, इसको नोट कर लेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, व्यापक रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप कोई पूछे कि जनरलाइज सामान्य रूप में इसको किस तरह देखा जाता है, ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या सर, जीरो। और जहां आपका ए बी सी ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या, ये तीनों क्या है सर, वास्तविक संख्या, और ए जो हो वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अगर ए जीरो के बराबर हो गया सर तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। अब बताओ जब ये जीरो हो गया तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस
सी, ये तो सर रैखिक समीकरण बन जाएगा, फिर द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। इसलिए द्विघात समीकरण बने रहने के लिए इसको a के बराबर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान देंगे a, b, c ये तीनों क्या है, वास्तविक संख्या। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, बिलोंग्स टू मतलब a, b, c तीनों किससे संबंध रखता है, वास्तविक संख्या से। तो a, b, c ये तीनों वास्तविक संख्या है, और सर ये a जो है ये वास्तविक संख्या तो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर ये कभी भी होना नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म। ठीक, व्यापक रूप, अगर इस फॉर्म में आपका समीकरण है तो द्विघात समीकरण वो है, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का मतलब सर, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। और टेंथ क्लास में जो हम पढ़ेंगे सर, एक चर में ही द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, एक चर में, सिर्फ x में या फिर सिर्फ y में या फिर सिर्फ z में। ठीक, तो यहाँ आपका द्विघात समीकरण किस वेरिएबल के में है, x के वेरिएबल में। आइए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आइए सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण की पहचान। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके, आइए आगे बढ़ते हैं सर। द्विघात समीकरण की पहचान है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे सर, जैसे दे दिया x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। हमको पूछ दिया ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो सीधा देख करके नहीं बोल सकते हैं इसको सर, इसको पहले सॉल्व करेंगे। कैसे सर, तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ना। चलो भाई, तो a के जगह पे है बउआ x, b के जगह पे कितना तीन, तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू थ्री। क्यों सर, ए के जगह पे एक्स है सर, बी के जगह पे क्या है तीन है, तो टू इंटू एक्स इंटू थ्री। इसी तरह यहाँ भी करो बउआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा बोलो ए के जगह पे क्या है टू एक्स, तो ए का स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर तो सर वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी, ए के जगह पे टू एक्स सर, बी के जगह पे कितना वन, टू इंटू टू एक्स इंटू कितना वन। तो ये तो हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स आ गया सर, दो एक्स का स्क्वायर तो चार एक्स स्क्वायर हो गया ना, अब प्लस वन हो गया सर, दो दूनी चार एक्स। चलो अब एक काम करते हैं सर, इस सब को उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा जीरो, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, चलिए सर चार एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट जाएगा। फिर सर नौ इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो एक माइनस नौ हो जाएगा। फिर सर माइनस सिक्स एक्स है, यहाँ सिक्स एक्स माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस चार एक्स प्लस सिक्स एक्स, इसको तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो ये आपका जीरो बराबर चार एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट गया कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर, एक में नौ चला गया कितना सर माइनस आठ, छः एक्स में चार एक्स घटेगा तो ये आपका दो एक्स हो गया। तो फाइनली मेरा आ गया, इसको लिखिए थ्री एक्स स्क्वायर है सर प्लस टू एक्स माइनस एट बराबर कितना सर जीरो। अब ये देखिए तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही ना था जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या सर जीरो। तो देखिए तो ये सर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ आपका ए कितना है बोलो तीन, बी कितना है बोलो बउआ टू, है ना जी, एक्स का गुणांक यहाँ बी, यहाँ एक्स का गुणांक कितना दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा टू, सी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा बोलो सर माइनस एट, सी बराबर कितना हो गया माइनस एट। तो चूंकि सर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर बराबर जीरो के फॉर में दिख रहा है, इसलिए ये जो समीकरण आपने दिया था सर ये आपका द्विघात समीकरण है। तो प्लीज़ इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, आप बहुत ही शानदार एग्जांपल था, प्लीज़ इसको नोट कर।